जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। 108 वरदानों की वो अद्भुत सीरीज लेकर जो आपको बताएगी आपकी जन्म कुंडली में परम पिता परमात्मा ने आपको क्या वरदान दिया है, क्या वरदान छुपा हुआ है आपकी जन्म कुंडली में, जिसे ज्ञात कर आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली को देखकर बहुत आराम से पता कर सकते हैं कि आपको परम पिता परमात्मा ने इस जन्म में ये वरदान देकर भेजा है और उस वरदान के शुभ फल आपकी जिंदगी में आपको क्या मिलने वाले हैं या क्या मिल रहे हैं, उन सभी चीजों को आप जान सकें। तो इस सीरीज के तहत आज मैं आप सभी के समक्ष चौथा वरदान, आपकी जन्म कुंडली का वो चौथा वरदान आप सभी के समक्ष लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं, जिससे आपके जीवन में बहुत सारे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो क्या छुपा हुआ है इस चौथे वरदान में, क्या है वो चौथा वरदान जो आपको आपकी जन्म कुंडली में मिला हुआ है, कैसे जाने, कैसे ज्ञात होगा आपको ये चौथा वरदान क्या है, तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं। लेकिन इस चर्चा से पूर्व मैं आप सभी लोगों को एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने मेरे इस चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर तुरंत सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन बेल का आइकन नहीं दबाया, तो उस बेल के आइकन को दबाकर, जो कि आपको नोटिफिकेशन देगा, आपको घर बैठे पता चलता रहेगा मैंने आप लोगों के लिए कौन सा नया वीडियो बनाकर आपके समक्ष भेजने की कोशिश की है, आपको वो जानकारी स्वतः ही घर बैठे आपके मोबाइल में आपको प्राप्त होती रहेगी। तो अगर आप बेल के इस आइकन को नहीं दबाएंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा वरदान छुपा हुआ है। तो प्रिय भक्तगणों, अब और अधिक देर न करें इस चैनल को सब्सक्राइब करने में या बेल के आइकन को दबाने में, और इसी प्रकार से मेरे इस 108 वरदानों की सीरीज के हर वीडियो को बहुत ध्यान पूर्वक आखिर तक अवश्य देखें, जिससे आपको पता चल सके, आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली को देखकर जान सकें या अपने परिवार या अपने बच्चों की जन्म कुंडली को देखकर जान सके कि उनको या आपको क्या क्या वरदान परम पिता परमात्मा ने देकर इस पृथ्वी पर मनुष्य लोक में भेजा है। अपने चौथे वरदान के बारे में कि आपकी जन्म कुंडली का वो चौथा वरदान कौन सा है जो परम पिता परमात्मा ने आप में से बहुत सारे लोगों को बख्शा है। इस वरदान का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है, क्या आपके दुश्मन, क्या आपके शत्रु आपसे भयभीत रहते हैं, क्या आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसा वरदान है जिससे आपको पता चले कि आपके शत्रु, आपके दुश्मन, आपका बुरा चाहने वाले लोग क्यों आपसे भयभीत रहते हैं। तो इस वरदान के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि आप किस प्रकार से पता कर सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में परम पिता परमात्मा ने आपको यह वरदान देकर भेजा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका सूर्य दूसरे भाव में बैठा हुआ है, यानी लगन के अगले भाव में अगर आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ है, वो पर्याप्त डिग्री का है, मतलब बली है, बली का मतलब कहिएगा तो 14-15 अंश से लेकर अगर उसके अंश 20-22-24 अंश तक का सूर्य आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव में बैठा हुआ है, अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है या स्वयं के घर में बैठा हुआ है या अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ है, तो परम पिता परमात्मा का यह वरदान आपको अवश्य प्राप्त होगा कि आपके शत्रु आपसे सदैव भयभीत रहेंगे, आपसे डरेंगे, आपकी शक्ल देखकर शत्रुओं की जान निकल जाएगी, वो आपसे इतना डरेंगे कि
कि आपके शक्ल देखते ही वो कन्नी काट के इधर उधर दाएं बाएं होकर निकल जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में यह वरदान है तो आपको कभी भी अपने किसी भी शत्रु से, किसी भी दुश्मन से कभी भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो यह वह चौथा वरदान है इस सीरीज का जो मैं आपको आज बताया है। इसके शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के परिणाम होते हैं। आपको पता है ना ये वरदान कहां से आते हैं, कैसे मिलते हैं ये वरदान? हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने समय समय पर परमपिता परमात्मा की तपस्या की। उन तपस्या के बल पर परमपिता परमात्मा ने भागीरथ ऋषि को वरदान दिया था, भोले बाबा ने। राजा बलि को वरदान दिया भगवान विष्णु ने कि हे राजा बलि, इस चतुर्युगी के बाद आप को स्वर्ग का राजा बनाया जाएगा। यानी अगली चतुर्युगी में, इस कलयुग के बाद जो अगली चतुर्युगी होगी उसमें दैत्यराज बलि को भगवान श्री विष्णु ने इंद्र देवता पदवी है, यानी स्वर्ग के अधिपति को इंद्र देवता कहा जाता है, तो उनको इंद्र देवता बनने का वरदान दिया है कि राजा बलि आप नई अब आने वाली चतुर्युगी में पूरी चतुर्युगी के दौरान इंद्र बनकर स्वर्ग के सिंहासन पर सत्तामान होंगे, स्वर्ग के राजा बनकर राज्य करेंगे। तो इसी प्रकार का वरदान हिरण्यकश्यप को प्राप्त था कि उसकी मौत न जमीन पर हो सकती थी, न आसमान में हो सकती थी, न मानव रूपधारी कोई व्यक्ति उसे मार सकता था, ना जानवर रूपधारी व्यक्ति मार सकता था, ना कोई मनुष्य मार सकता था, ना देवता मार सकता था, ना कोई राक्षस मार सकता था। या हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, उसको वरदान प्राप्त था कि कोई भी अग्नि उसको जला नहीं सकती, कितनी भी भीषण अग्नि हो, अग्नि उसको जला नहीं सकती। यह वरदान राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को प्राप्त हुआ था। तो उन्हीं में सीरीज के लिए कुछ वरदान हैं जो आपकी ने पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में जो कभी तपस्या की होगी, भगवान की पूजा अर्चना की होगी, तो उसके फल स्वरूप भगवान ने समय समय पर आप लोगों में से कुछ लोगों को प्रसन्न होकर ये वरदान दिए हैं। जिन वरदानों को आप स्पष्ट अपनी जन्म कुंडली में स्वयं देख सकते हैं, स्वयं पता कर सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में परमपिता परमात्मा ने आपको क्या वरदान दिया है। मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से और कहना चाहूंगा कि आप में से अगर कोई व्यक्ति अपनी पढ़ाई लिखाई या अपने बच्चों के ना पढ़ने से या ना अच्छे नंबर लाने से, अपनी नौकरी में नौकरी मिलने से ना मिलने से, या प्रमोशन ना होने से, शादी विलंब से होने से ना हो पाने से, या शादी होकर तलाक की नौबत आने से, घर में कलेश रहने से, संतान का सुख विलंब से या ना प्राप्त होने के कारण, या व्यापार में घाटा होने के कारण, या अपने स्वयं का मकान या स्वयं का वाहन ना होने के कारण, या स्वयं का व्यापार या स्वयं का ऑफिस नहीं होने के कारण, या किसी अन्य कारण से, बीमारी, कोर्ट, कलिश वगैरह अन्य किसी कारण से, किसी भी रूप में, या अपने प्रेमी को प्राप्त करने में असफल है, यानी उसके प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम आ रही है, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से स्क्रीन पर जो नीचे नंबर आ रहे हैं उन नंबरों पर हमसे एक अपॉइंटमेंट लेकर वीडियो कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप की वीडियो कॉल के माध्यम से, दुनिया के किसी भी कोने से हमसे संपर्क स्थापित कर सकता है। निश्चित रूप से हम इसके लिए एक छोटी सी फीस रखी हुई है जिसमें हम आपकी पूजा करते हैं, आपकी परेशानियों के अंगेंस्ट में जो भी परेशानी है उसके लिए बैठ के नित्य प्रति पूजा करते हैं, एवं आपको निशुल्क आपकी परेशानियों के उपाय बताते हैं। और इस जो फीस आप हमें उस बात के लिए पे करते हैं, वह फीस बहुत ही शुभ कार्यों में, यानी भगवान के प्रसाद वितरण में, जो हम लगातार हर शुक्र को, हर शनिवार को, हर मंगलवार को प्रसाद वितरण का कार्यक्रम यहां पर चलाते हैं, उस प्रसाद के वितरण में,
एवं गरीब लड़कियों को कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करने के लिए जो पिछले 10 सालों से हमने इंस्टीट्यूट चलाया हुआ है, जिसमें हम उन्हें मल्टीमीडिया का कोर्स कराते हैं और निःशुल्क कराते हैं, और साथ में आपके द्वारा दिए गए पैसों से उनको स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं, उस कार्य में प्रयुक्त की जाती है। तो जो भी व्यक्ति अपनी किसी भी प्रकार की समस्या से कहीं भी कैसे भी परेशान है, तो बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप मुझसे, गुरु मां रुक्मणी से या स्वामी राज ऋषि से अपॉइंटमेंट लेकर व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी सभी प्रकार की समस्याओं का हल जान सकते हैं। मेरा नाम हरिपाल है, मैं होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं लगभग एक महीने पहले यहाँ गुरुजी के पास आया था, तो उस समय मैं बिल्कुल जीरो रखा था, जैसे मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने मेरी कुंडली देख के मेरे को बताया कि सारे ग्रह खराब हैं, तो उनके अनुसार से जो उन्होंने मेरे को उपाय करने के लिए बताया और ये जो रिंग्स पहन रखी है मैंने, उन्होंने डालने के लिए बोला, और मैंने उनको फॉलो किया, और फॉलो होने के बाद में मेरे को कम से कम 20 से 22 दिन में मेरे को रिजल्ट मिलने शुरू हुए। आज मेरे इमिग्रेशन के काम में मेरे कम से कम भी 5 वीजा हो चुके मेरे, अभी और भी काम हो रहे हैं मेरे बाकी। और लोगों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मार्केट में बहुत सारे फेक लोग घूमते हैं जो कि दावे करते हैं कि मैं ये हम ये पहनाते हैं वो करते हैं, मैं बहुत ज्यादा घूमा हूँ। लेकिन मैं सबसे ये विनती करता हूँ, साधन निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ आओ, गुरु जी को एक बार अवसर दो, आप अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और जैसे गुरु जी बोले वैसे करो, आपको जरूर फायदा होगा। मैं आप सभी लोगों को एक और आमंत्रण देना चाहता हूँ। हमारे सिर पर इलेक्शन सब का भूत सवार हो चुका है, हम लोग अपनी और विश्व की इस सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए और अपना प्रधानमंत्री चुनने के लिए संकल्पबद्ध होकर वोट डालने जा रहे हैं। क्या है आपके मन में, आप किसे वोट देंगे, मैं ये नहीं जानना चाहता। मैं जानना चाहता हूं अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री आप होते तो वो पहली 3 चीजें क्या होती जो आप इस देश के लिए करते, जिससे इस देश का भला होता, इस राष्ट्र का भला होता, आप सब लोगों का भला होता। तो मैं वो 3 बातें आप बिना किसी झिझक के मेरे इस वीडियो पर कमेंट्स करके बताएं कि अगर खुदा ना खास्ता आप हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप सबसे पहले वो 3 महत्वपूर्ण कार्य क्या करेंगे जिससे इस देश का भला हो सके, इस देश का विकास हो सके और हमारा ये सनातन हिंदू धर्म वाला ये राष्ट्र पूरे विश्व में एक गौरवमयी राष्ट्र के रूप में एक सितारे की भांति चमचमाता रहे। पास दिलाता हूं, आप जो भी मुझे कमेंट्स करके भेजेंगे मैं उनमें से चुनिंदा कमेंट्स को लेकर अपने प्रधानमंत्री तक अवश्य पहुंचाऊंगा आप लोगों की आकांक्षाओं को, क्योंकि आप अपने प्रधानमंत्री से क्या चाहते हैं, जिसके लिए आप उन्हें वोट करते हैं, तो आप इस विषय पर कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही, पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ एक नए वरदान के साथ, इंतजार करिए। जय शनिदेव।